अस्सलाम वालेकुम, पिट्सबर्ग पेंसिल्वेनिया से नज़र चौहान एक दफ़ा फिर आपके साथ रबते में। आप अगर मेरे पीछे देखें तो बोर्ड देखेंगे कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी। कार्नेगी मेलन के स्कॉलरशिप्स भी मुझे याद है कुछ अफसरों को सिविल सर्विसेज में मिलते थे। खैर, मैं तो इतना खुशकिस्मत नहीं था, वो सिफारशों से मिलते थे। आज मैं लाइब्रेरी, वो भी उसमें भी कार्नेगी का शेयर बहुत ज़्यादा है, इट्स अ कार्नेगी पब्लिक लाइब्रेरी इट इज़ कॉल्ड, ओके। आज मैं बताता हूँ कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट कार्नेगी फैमिली थी कौन। एंड्रयू कार्नेगी इसका बीच बोया और वॉज द स्टार। एंड्रयू की फैमिली स्कॉटलैंड से थी और बहुत गरीब गुरबा और पता नहीं जूते माँ बाप सीता था क्या करते थे। स्कॉटलैंड से इधर 1825-30 में आए, 30-34 में गालिबन 34 में एंड्रयू कार्नेगी पैदा हुआ। एंड्रयू कार्नेगी ने बिजनेसेस से बिल्कुल वही डाके डाले जो जिस तरह हाशवानी ने पाकिस्तान में, जिस तरह इसके साथ ही कंटेम्प्रेरीज रॉकफेलर वगैरह ने, जिस तरह जेफ बेजोस और बिल गेट्स ने, मैं एलन मस्क को इसमें नहीं रखूंगा, उसने अभी तक इनसाइड ट्रेडिंग या स्टॉक्स में कोई धंधे नहीं किए हैं, मोनोपोलीज नहीं किए हैं, ठीक है जी। लाइक टी मोबाइल ने 4-5 छोटी कंपनियां खरीद ली हैं, ठीक है ना, और जहां इतने सख्त एंटी ट्रस्ट और कंपटीशन लॉज हैं, लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम के माफिया। मैंने सर्च की कार्नेगी लाइब्रेरी जब ज्वाइन की कि यार ये कार्नेगी फैमिली थी कौन, तो एंड्रयू कार्नेगी पे बहुत बायोग्राफीज हैं, एक उसने खुद भी 2-3 लिखवाई थी। औरतों का बहुत बड़ा दिलदादा था अपने, उसने एक लड़की फंसाई थी जिसका बाप उसे 2 साल बड़ा था, ठीक है जी, और उसके साथ उसने जो ज्यादतियाँ की, ठीक है ना, बिल्कुल जैसे मोहम्मद अली जना ने अपने क्लाइंट की 13 साल लड़की दौड़ाई थी, ठीक है ना जी, उसी तरह के मामलात। अच्छा, फिर होता क्या है कि जनाब साहब 3 बिजनेसेस में टका के लूट मार की, फर्स्ट फ्रॉम द स्टील मिल, स्टील में कॉग्लेमरेट्स बनाए, धंधे किए, इनसाइड ट्रेडिंग की, फ्रॉड किए, उस वक्त इतनी रेगुलेशंस भी नहीं थी। फिर टेलीफोन कंपनीज, उससे इसने बहुत ज़्यादा कंपनीज बना के आउटसोर्सिंग फ्रॉड्स किए। फिर 1-2 और कंपनियां थी जिसमें इसने धंधे किए, बिलियनर बन गया, किंग था, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड था एंड्रयू कार्नेगी, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड रहा, ठीक है जी, काफ़ी देर रहा। और फिर जनाब साहब उसने अपने आप को हीरोशिप को यू टर्न दिया और फिलैंथ्रोपी का मास्टर बनने की कोशिश की या बना, और इट इज सेड, आई हैव येट टू वेरीफाई, कि उसने फिर अपनी सारी वेल्थ चैरिटी पे दे दी, ठीक है जी, सारी वेल्थ। ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, कार्नेगी पब्लिक लाइब्रेरी, यू नेम इट, कोई 101 इंस्टीट्यूशन जिनमें एंडोमेंट्स जो कार्नेगी के नाम पे चल रहे हैं। बिल गेट्स यही काम करता है, मेलिंडा एंड गेट्स की बदमाशियां फाउंडेशन की, हिलरी क्लिंटन ने जॉन सी क्लिंटन फाउंडेशन है उसमें यही बदमाशियां हुई, करप्शन, फ्रॉड, टॉक्सिक मनी, हराम का पैसा फिर फिलैंथ्रोपी में यूज़ हुआ, जो मैं सतारेदी और इमरान खान को कहता था कि चंदे इकट्ठे करके वफाई स्टेट बनाना, रफाई स्टेट इज़ इलीगल, इमोरल, अन इस्लामिक, ओके, क्योंकि पता नहीं कि हलाल का पैसा है या हराम का पैसा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये रवायत चली आ रही है। हम रूहानी लोग इस चीज़ पे जोर देते हैं कि मीन्स टू एन एंड, मीन्स शुड बी क्लीन, यस कैपिटलिस्ट से एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, और उनके एंड्स ये हैं, ठीक है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, कल तक के लिए इजाज़त। मैं बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए अपने इस चैनल से छेड़ूंगा नई नस्ल की सोच के लिए, इस पर सोचें, इस पर मटेरियल देखें, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।